तो अभी हम पहुंचे हुए हैं बस्सी पावर हाउस में। बस्सी पन विद्युत परियोजना जो लगभग 15 मेगावाट की पहली टरबाइन 13 अप्रैल 1970 को विद्युत उत्पादन इसने शुरू कर दिया था। दूसरी टरबाइन 24 दिसंबर 1970 तथा तीसरी टरबाइन ने 15 जुलाई 1971 को विद्युत उत्पादन शुरू कर दिया था। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम ये दिखा रहे हैं, क्योंकि हाल ही में बने उल तृतीय चरण थर्ड स्टेज से चूल्हा प्रोजेक्ट हो चाहे बरोट का बस्सी पावर प्रोजेक्ट में 60 मेगावाइट की बिजली जो है तैयार की जाती है। हम आपको बता दें कि सानन जो प्रोजेक्ट है उसमें 110 मेगावाइट की बिजली तैयार की जाती है, और उल थर्ड स्टेज जो चूल्हा में है उसमें 100 मेगावाइट की बिजली जो थी वो तैयार की जानी थी। उल तृतीय चरण के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ तो चूल्हा प्रोजेक्ट जो है जो उल तृतीय चरण से बना है वो महज जब उसको चेक किया जा रहा था उसका पेन स्टोक जो है फट जाता है। उसके साथ अगर मैं बात करूं तो बरोट का वो मुल्थान प्रोजेक्ट मुझे आज भी याद है, वो कहीं ना कहीं एक महीने के बाद ही वो उसका भी पेन स्टोक जो है कहीं ना कहीं फट जाता है और वहां पे काफी नुकसान जो है लोगों का होता है। हालांकि ऐसा होता क्यों है, ये इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो गुणवत्ता नहीं रही। अंग्रेजों के समय में यदि आप 1 रुपए की भी कहीं चोरी करते थे या कुछ इस तरह की चीजें करते थे तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात होती थी, लेकिन आज ये ठेकेदारी प्रथा के अकॉर्डिंग ले लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से ले लीजिए, ये काम जो है किस तरीके से हो रहे हैं। और आज जो चूल्हा प्रोजेक्ट है वो कम से कम 438 करोड़ से बनना शुरू हुआ था और आज 2700 करोड़ से भी ऊपर जा चुका है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से लोगों को सेवाएं देने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा है। जहां तक हम बात करते हैं ये जो अंग्रेजों के द्वारा निर्मित चाहे वो बस्सी हो सानन हो, क्योंकि सानन जो है वो 1925 में बनके तैयार हो चुका था लेकिन ये बस्सी पावर प्रोजेक्ट जो है 1970 में बना है, तो ये हम कह सकते हैं आजादी के बाद बना है। लेकिन इसके बावजूद भी आज ये बिल्कुल पूरे जोगिंदनगर के साथ साथ कांगड़ा को भी अपनी सेवाएं दे रहा है, तो ये सोचने वाली बात है। और जिस तरह से हमारे जो नए प्रोजेक्ट है वो शायद लोगों को सिर्फ कर्जे में डाल रहे हैं क्योंकि वहां कई हजारों सैकड़ों करोड़ रुपए जो है लोगों के बर्बाद हो रहे हैं, तो इस बारे में भी आप जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या वो अंग्रेजों के बनाए ये पुराने प्रोजेक्ट या हम कहेंगे पावर हाउस काम के थे या जो नए बन रहे हैं आधुनिकता के साथ बन रहे हैं, क्या वो प्रोजेक्ट जो है आज कामयाब है। तो चलिए खबरखास टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।